दोस्तों ये एप्सन का L360 प्रिंटर है। जैसे इसकी पावर ऑन करेंगे तो इस तरह से लाइट जला देता है, ये दोनों लाइट एक के बाद एक जलाता है। तो इसमें जैसे प्रिंट देंगे, जैसे ये 360 प्रिंटर है, इसमें ये टेस्ट प्रिंट निकालेंगे तो टेस्ट प्रिंट निकाल जाए, इस तरह का मैसेज देगा ये, सर्विस रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या होता है, इसका सॉफ्टवेयर रिसेट करना पड़ता है। तो इसका सॉफ्टवेयर गूगल पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इसको रिसेट कैसे करते ये प्रोसेस दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो इनको क्लोज कर देंगे, दोस्तों ये मैंने पहले इसको डाउनलोड कर रखा है, इस फोल्डर में पड़ा है सॉफ्टवेयर। तो ये वाला है 220 और 360 का एक ही सॉफ्टवेयर आता है, ये दोनों में काम करता है। तो इस सॉफ्टवेयर को इस तरह से खोल लेंगे और इसका जो ये एप्सन एडजस्टमेंट है इसको खोलेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। इसके बाद प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये मॉडल नेम 360 प्रिंटर है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर एडजस्ट मोड पे टिक कर देंगे, फिर इसमें वेस्ट इंक पैड काउंटर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद में ये मेन पैड काउंटर पे टिक करेंगे और ये नीचे वाला ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो ओके मांगेगा, ओके कर देंगे। इसके बाद इस तरह से ये प्रिंटर सेट हो चुका है, ये प्लीज टर्न ऑफ प्रिंटर के लिए बोल रहा है तो इसको ऑफ कर देंगे और फिर से ऑन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसने लाइट नहीं जलाई, अब ये प्रिंटर रिसेट हो चुका है। इसमें कागज लगा देंगे एक, अभी रेडी हो जाएगा प्रिंटर और फिर इसमें प्रिंट निकाल के देखते हैं। अभी मोमेंट कर रहा है प्रिंटर, ये ढक्कन खुल गया, इसको हटा लेते हैं। ये प्रिंटर रेडी हो चुका है, अब इसके बाद इसमें टेस्ट प्रिंट देख के देखते हैं। देखिए दोस्तों, आसानी से प्रिंट कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, आप भी अपने प्रिंटर को ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके गूगल से और रिसेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रिंट निकल कर आ गई। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार के नए नए दिक्कत के वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, फिर से इसको बंद चालू करके देख लेंगे। देखिए दोस्तों, अब वो जो रेड लाइट जल रही थी एक के बाद एक, दोनों लाइटें बंद हो चुकी है। देखिए दोस्तों, प्रिंटर रेडी हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।